Hi guys, I'm Divya and you're most welcome on this channel, Aesthetic Divya. मैं इस चैनल पे होम डेकोर DIY एंड ऑर्गेनाइजेशन टाइप के वीडियोस बनाती हूँ. एंड आज का जो वीडियो है वो है बालकनी मेकओवर. ये वीडियो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है बिकॉज मैं इसको आई थिंक 1.5 ईयर से प्लान कर रही हूँ. जो लास्ट टू लास्ट दिवाली थी तब मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी इस मेकओवर के लिए और अब जाके कर पा रही हूँ फाइनली. एंड इट टर्न आउट वेरी वेल. इट्स लाइक माई ड्रीम बालकनी. बहुत ही ड्रीमी सा सेटअप किया है मैंने. रात होने के बाद तो बहुत ही सही लग रहा है. तो लेट्स स्टार्ट दी मेकओवर. सारे मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है वो मैंने ऑनलाइन लिए है. सबकी लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको. एंड मैंने ये मेकओवर 2 दिन पहले शुरू किया था. मैं ना बाहर शूट कर रही हूँ तो थोड़ी बहुत नॉइस आएगी, बैकग्राउंड नॉइस, प्लीज बेयर विद दैट. और ये मेकओवर मैंने शुरू किया था 2 दिन पहले. तो डे 1 में हमने थोड़ी बहुत चीज़ें, काफ़ी कुछ, इनफैक्ट मैक्सिमम चीज़ें कर ली थी, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी. और डे 2 पे मैं रेडी वेडी हुई थी कि फाइनल शूट करूँगी. बट एक अनफॉर्चुनेट चीज़ हो गई कि शूट करते टाइम मुझे पता चला कि आई लॉस्ट माई माइक और मेरा पूरा दिन उसी पर चला गया. आई वॉज सर्चिंग फॉर इट एंड आई वॉज not ready to accept कि I lost it. और I was just off. Actually that mic was one of the very few thing, first few thing which I got from my own YouTube earning. So that was kind of special to me. और महंगा भी था, wireless mic था, at least it's costly for me. But anyway, शुरू करते हैं बिना mic के कर रहे हैं. और अब मैं नया माइक तभी लूँगी. मैंने कुछ माइलस्टोन अपने लिए सेट करके रखे हैं. अगर वो मैं अचीव कर लूँगी तभी मैं माइक लूँगी. ये सब मैं क्यों बता रही हूँ पता नहीं. तो डे 2 पे मैंने कुछ नहीं किया. मैं रेडी ज़रूर हुई थी बट कुछ भी नहीं किया. डे 3 पे मैं फिर से वही सब, वही कपड़े, वही हेयर स्टाइल सब लेकर रेडी हुई हूँ. और फाइनली आज हम ये शूट कम्प्लीट करें तो बहुत थोड़ी मोड़ी चीज़ें बची वो भी करेंगे. तो पहले देख लेते हैं कि डे 1 में क्या क्या किया है. बट उसके पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो, जल्दी से बेल आइकन क्लिक कर दो ताकि जो भी नए वीडियोज़ आए तो आपको नोटिफिकेशन आती रहे. नाउ स्टार्ट कर. तो डे 1 पे सबसे पहले मैंने अपनी पूरी बालकनी खाली कर दी थी. सारे प्लांट्स अंदर रख दिए थे. बिफोर शॉट्स मैंने नहीं लिए हैं बिकॉज बहुत ही क्लटर हो गया था. और ये हम मम्मी बेटे यहाँ पे बालकनी को साफ कर रहे हैं अच्छे से घिस घिस के. और उसके बाद फिर हम थोड़े थक गए थे तो हमने पोहा बनाया और पोहा बना के खाया. बड़ा मज़ा आया. आई एम अ पोहा लवर. आपको भी पोहा पसंद है क्या मुझे बताना. उसके बाद फिर हम अच्छे से नहा धो के फ्रेश होके रेडी होने के बाद अब शुरू किया हमने फाइनल काम. तो ये सबसे पहले मैं एक रैक यूज़ कर रही हूँ. ये मुझे इंस्टॉल करनी थी, असेंबल होके नहीं आई थी. इसको असेंबल करने में ही मुझे ऑलमोस्ट 2 आवर्स लग गए. इतने मुश्किल से क्रैक कर करके मैंने इसको किया है. शायद इसके साथ जो मैनुअल आया था वो मैंने घुमा दिया था. तो हम मम्मी बेटे बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं कि अभी क्या करना है. बड़ी मुश्किल से ये रैक जो है असेंबल हो पाई और फाइनली इसको मैंने इस कॉर्नर में रख दिया. और ये खुशी देख रहे हो मेरी. तो मैंने अब इस पर प्लांट अरेंज करने स्टार्ट कर दिए. मैंने एक शेल्फ पे 3 प्लांट ही रखे हैं क्योंकि फ़िलहाल तो मेरे पास ज़्यादा प्लांट है भी नहीं और मैं ज़्यादा क्लटर नहीं करना चाहती हूँ. बट आई डोंट माइंड कि फ्यूचर में मेरे पास इतने सारे प्लांट और ये पूरी रैक ऐसे खचा खच भर जाए प्लांट से, मज़ा आ जाएगा. ये जो एक अजीब सा गरीब सा प्लांटर दिख रहा है ना, इसको बाद में मैं ब्लैक स्प्रे पेंट कर दूंगी. और ये हमारी जो प्लांट रैक है वो रेडी है और ये कुछ इस तरीके से लग रही है. और अब मैं ना यहाँ सिटिंग ऑप्शन के लिए चेयर लगा रही हूँ, वही पुरानी फेमस चेयर मेरी. थोड़ा आराम भी फरमा लिया उस पर. कुशन्स लगा रही हूँ, चेयर पेड्स लगा रही हूँ ताकि थोड़ा एक्स्ट्रा कंफर्ट रहे. एंड ऑलरेडी एंजॉइंग इट. तो जिस वॉल पे हमने रैक रखी थी उसके अपोजिट वाले वॉल पे अब मैं प्लांट्स रख रही हूँ. और ये जो रेलिंग वाला एरिया है वहाँ पे भी मैं प्लांट्स लगा दूँगी. जो बड़ा सा प्लांट है मेरा कड़ी पत्ता का प्लांट है. मैं अपने घर के ही कड़ी पत्ता यूज़ करती हूँ. और तुलसी प्लांट्स भी है मेरे पास, वही सब अरेंज कर रही हूँ. रेलिंग पे भी थोड़े रख रही हूँ, थोड़े नीचे भी रख रही हूँ. बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स भी है मेरे पास बट अभी मानसून के कारण इतना ग्लूमी हो रखा है कि फ्लावर नहीं आ रहे हैं. और यहाँ पे भी मैं अच्छे से प्लांट रख रही हूँ क्योंकि यहाँ नीते हुए चला जाता है और बाय ट्रक चिल्लाता है तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू उससे वो अच्छा नहीं है. इतना सब कुछ रखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये टायर यहाँ पे क्या कर रहा है, उसकी खैर अलग ही स्टोरी है. तो फिर से मैं बाकी सब निकाल के अब वहाँ से टायर निकाल रही हूँ. और काफ़ी भारी था यार ये, बहुत ही भारी था, इतना मैंने रियलाइज़ नहीं किया था. फाइनली अकेले मैंने उस टायर को वहाँ से निकाल लिया. तो ये वाला पार्ट अब कुछ ऐसा लग रहा है. और देखो पीस लिली भी है मेरे पास, वो भी फ्री का, मुझे ऐसे ही रोड पे दिखा रैंडमली तो मैंने उखाड़ के ले आया.
अब ना यहाँ पे ऊपर में मैं हैंगिंग प्लांटर में ये प्लांट लगा रही हूँ। ये बिस्लरी की बॉटल में लगा ली है मैंने, और ये हैंगिंग प्लांटर तो अमेजोन से लिए थे, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है पूरा। अभी जो टायर था ना, इसको तो मैं डिस्कार्ड करने वाली थी, बट मेरा फिर से दिल आ गया। पुराने वाले बालकनी वीडियो में भी मैंने इसको यूज़ किया था, और ये जो लकड़ी है ना, ये भी मैंने पुराने वीडियो में यूज़ की थी। मेरे पास दिल्ली से रखी हुई है, दिल्ली से यहाँ लेके आई हूँ मैं, इतना प्यार है इससे, फिर से इसको यूज़ कर रही हूँ। तो ये कुछ ऐसा लग रहा था। और अब मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर की मैट डाल दी है। मैंने फुल बालकनी के साइज़ की नहीं ली, बिकॉज फिर क्लीनिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है पूरा निकालो एंड ऑल, तो मैंने बस एक पैच जैसे लिया कि एक ग्रीन पैच लगे बस। अभी जो पुराने डेकोर आइटम लगे थे मैं निकाल रही हूँ इनको, हम आगे दूसरी जगह यूज़ करेंगे। और वो जो एक दो प्लांटर थोड़े गंदे से थे ना, उनको मैंने ब्लैक स्प्रे पेंट कर दिया है। इनिशियल प्लान तो था कि सारे प्लांटर को ब्लैक स्प्रे पेंट करूँगी, बट वो काफ़ी टफ हो रहा था, मुझे डर लग रहा था कि प्लांट डिस्ट्रॉय ना हो। तो प्लांट वाले ऊपर वाले पार्ट में मैं ऐसे न्यूज़पेपर लगा के कर रही हूँ ताकि प्लांट को डैमेज ना हो। और ये जो लकड़ी के नीचे का बेस था ना, उसको भी स्प्रे पेंट कर दिया है, और ये एक और जो प्लांटर था इसको भी स्प्रे पेंट कर दिया है, एंड वो प्लांटर को वापस फिर उनकी जगह पे रख दिया है मैंने। और यहाँ पे नित्य भी अब सो के उठ चुका है, एंड ही इज सेइंग समथिंग। तो अब ये जो रेलिंग वाला प्लांटर स्टैंड था ना, ये था तो ब्लैक ही, बट रेलिंग जब पेंट हुई थी तो आधा वाइट हो गया था, तो मैंने सोचा कि पूरा ही वाइट कर देते हैं। तो इसे पेंट किया जब तक ये सूख रहा था, फिर तब तक मैंने ऊपर यहाँ पे ये बल्ब वाली स्ट्रिंग लाइट थी मेरे पास, वो लगा दी है ऊपर, थोड़ी रैंडमली जैसे पैटर्न समझ आया लगा दिया है। बस ना ये एक बर्ड वाला हैंगिंग प्लांटर था, तो वो मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया है, तो क्यूट लग रहा है बालकनी में बर्ड। ऑनितेवे का फेवरेट है, इसका नाम है चूचू बर्ड। तो अपना शाम भी हो गई है, तो लाइट उतनी प्रॉपर नहीं है, तो डे वन मैंने यहीं पे एंड कर दिया था। और नेक्स्ट डे पे आते हैं, डे टू पे तो कुछ किया नहीं था, डे थ्री पे तो ये जो पेंट किया था वो सूख गया था, तो गोल्डन प्लांटर में यहाँ पे प्लांट लगा दिया मैंने। और ऊपर मेरी फेरी लाइट्स देखे कितने क्यूट लग रहे थे। और ये मैंने मेटल वाले हैंगिंग प्लांटर लिए रेलिंग पे ही लगाने के लिए, क्योंकि प्लास्टिक वाले मेरे एक दो बार ख़राब हो गए, तो इसको असेंबल करना होता है, इसके साथ नट्स साथ में ही आते हैं तो ईजिली हो जाता है। तो फाइनली मैंने असेंबल कर लिया, सेट ऑफ टू है ये, और ये दोनों को मैंने अपने रेलिंग में लगा दिया है। एंड इसके अंदर ना अभी फ़िलहाल मैं ये प्लांट लगा रही हूँ, मैंने प्रोपोगेशन के लिए रखे थे पानी में, तो वही इसके अंदर अभी रख रही हूँ, जब ये प्रोपोगेट हो जाएंगे तो सॉइल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और ये मेरे पास बल्ब शेप की फेरी लाइट है, ये मेरी काफ़ी दिन से विश लिस्ट में थी, ये मुझे अपनी बालकनी में चाहिए ही चाहिए, तो मैं इसको रेलिंग पर लगा रही हूँ, फिगर आउट कर रही हूँ किधर लगाना है। तो टायर के ऊपर वो बीच वाले पोर्शन में मैंने लगाया है, और ये बहुत सुंदर लगती है रात को। ये टायर के अंदर भी मैंने अपना एक प्रोपोगेशन वाला प्लांट ही रख दिया है, तो क्यूट लग रहा है। और ये पूरा एरिया अब इस तरीके से लग रहा है, और यहाँ मेरा थोड़ा कचरा पड़ा हुआ है आगे के काम करने के लिए, इग्नोर दैट। अब ये ना मेरे पास एक बर्ड हाउस था जो मैं ये ब्रैकेट में लगा रही हूँ, ये ब्रैकेट मैंने कारपेंटर भैया से पहले ही लगवा लिया था। और ये जो अपना फ्रेम दूसरे वॉल से निकला ना अभी चेयर के ऊपर के वॉल से, वो अपोजिट वॉल पे लगाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं थोड़ी प्रेप कर रही हूँ। और मैं एक गैलरी वॉल बनाने वाली हूँ, जो मैंने मोबाइल में सारी सेटिंग करके देख ली थी कि कैसे करना है, और अब बस मैं सामान को लगाते जा रही हूँ। तो जो चेयर के ऊपर वाली वॉल से निकाला था वही सामान ही है। और ये जो डक है ना, ये मैं जम्मू से लाई थी, एंड मोस्टली चीज़ें जो ऑनलाइन है उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। आप लोग अक्सर पूछते हैं कि मैं कौन से वाले नेल यूज़ करती हूँ, हुक यूज़ करती हूँ, तो मैं ये वाले यूज़ करती हूँ जो वायर में यूज़ होते हैं। ये ना वॉल को बहुत कम डैमेज करते हैं, रेंटल फ्रेंडली है। और ये जो बेल है ना, ये मैं कच से लाई नहीं थी एक्चुअली, लाना था बट ला नहीं पाई थी, फिर मेरी एक फ्रेंड गई थी तो उससे मंगाया था, तो दिस इज़ काइंड ऑफ स्पेशल टू मी। और ये पूरी ऐसी लग रही है अभी ये वॉल, और थोड़े ना इसके प्लेसमेंट मैंने चेंज कर दिए थे बाद में, तो फाइनल रिवील में देखना आप, नोटिस होएगा। और यहाँ पे मेरे पास एक एक फेरी लाइट थी, वो भी मैंने यहाँ लगा दी है कि इस वॉल को मेरे को एकदम चटाक करना है, सब लगा दिया है। और ये पौंडीचेरी से मैं ये लैम्प लाई थी, काफ़ी पुराना है ये भी मैंने वहाँ पे वो ब्रैकेट में लगा दिया है। और ये जो मेरी दिल्ली वाली लकड़ी थी, इस पे मैंने ये फेरी लाइट, जो बेसिक वाली फेरी लाइट होती है ना, वो घुमा घुमा के लगा दिया। इसको थोड़ा सा और ग्लैम करना था मुझे,
एंड अब ना मुझे एक बहुत ही सही प्रोडक्ट अमेजोन पर मिला है, बटरफ्लाई से कटआउट ऐसे रहता है, इजिली निकल जाता है, एंड इसके साथ ये स्टिकी टेप्स भी मिलते हैं, तो बटरफ्लाई के पीछे लगा दो एंड जहाँ मन किए वहाँ स्टिक कर दो, तो वो बालकनी में बहुत सारी बटरफ्लाई लगी हो, इससे अच्छा क्या हो सकता है, मतलब मन खुश हो जाता है देख के। तो मैंने बहुत सारी बटरफ्लाई इधर उधर सब जगह लगा दी है, और ये जो फ्रेम था आप सोच रहे होगे कि इसने ऐसे प्लेन क्यों रखा है, तो यहाँ बटरफ्लाई आने वाली थी, तो अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड इसके साथ ही हमारा बालकनी मेकओवर कंप्लीट हो गया है, नाउ टाइम फॉर द फाइनल रिवील, सो आर यू रेडी फॉर इट। तो ये है दिन का लुक सुबह सुबह का, सुबह सुबह यहाँ पे बहुत ही अच्छी भीनी भीनी सी धूप आती है, हम सब यहाँ बैठ के धूप लेते हैं, सन बेदिंग करते हैं, नीचे ग्रास पे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सब, और इस चेयर पे बैठ के मैं अपना सुबह का वार्म वाटर लेती हूँ, दिन भर की जो भाग दौड़ है ना उसके पहले मैं यहाँ बैठ के अपने आप को काम करती हूँ, एंड यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा है, कैन यू सी दिस व्यू। एंड इस मेकओवर के बाद हमें पता चल रहा है कि हमें एक सुंदर बालकनी की कितनी ज़रूरत थी, एंड इस शहर में एक बालकनी होना इटसेल्फ इज अ लग्जरी, भला ये थोड़ी छोटी है बट है ना, जैसी भी है आई ट्राई टू मेक बेस्ट आउट ऑफ इट, और नाइट व्यू तो बहुत अच्छा है, सारी फेरी लाइट में चालू कर देती हूँ, मुझे इतना ड्रीमी लगता है, मुझे लगता है कि मैं कोई रोमांटिक डेट नाइट सेटअप वगैरह किया हुआ है मैंने। मेरा दिन शुरू होता है इस बालकनी से और ख़त्म भी इसी में होता है आजकल, और नित्य का भी उसका दिन भर यहीं बीतता है। तो कैसा लगा है वीडियो, मेरी ड्रीम बालकनी कैसी लगी मुझे बताओ, कौन सा कॉर्नर, कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा लगा, या क्या चीज इन जनरल, कौन सा आइडिया सबसे अच्छा लगा। बहुत सारे डीआईवाई भी नहीं है मेकओवर में, तो बहुत कोई भी कर सकता है, लाइक ऐसा नहीं कि सिर्फ डीआईवाई एंथुसियास्ट ही है मेकओवर कर सकते हैं, एनीवन कैन डू दिस। और इस बालकनी से आप कौन सा एलिमेंट है जो लेना चाहोगे, अपनी बालकनी में इंप्लीमेंट करना चाहोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, सारे प्रोडक्ट की लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके बाद भी कोई डाउट है आपको तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई 110%। वीडियो अच्छा लगा है डू गिव इट अ थम्स अप, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब टू द चैनल अगर नहीं किया अभी तक तो, बेल आइकन क्लिक कर दो ताकि आगे कोई फ्यूचर अपडेट वीडियोस मिस ना होए, रील्स भी मैं डाल रही हूँ वो भी चेकआउट कर लिया करो, एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू सून, हैव अ टिल देन, बाय बाय। स्टाइल मार के बता दो गाइस को, ओके स्टाइल, अच्छा हाय गाइस तो बोल दो, बाय गाइस, हटू क्यों हटू, वो आप प्रेस करोगे तो फिर वीडियो ऑफ हो जाएगा, हाय करो, हाय हाय, डोंट टच, ओके कैमरा में बता दो ट्रक आया है, ए खींच क्यों रहे हो, नीचे भी टूट जाएगा, बाय कर दो, अब बाय बाय बाय, अब बाहर गए थे बस, हाँ बस।